नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। देहरी प्रखंड के गगौली गांव में विद्युत तार बिछा रहे मजदूरों को लगा करंट, 6 मजदूर घायल, अनुमंडल अस्पताल देहरी में चल रहा है इलाज। खबर रोहतास। जिला के देहरी प्रखंड के गगौली गांव में प्राइवेट कंपनी द्वारा विद्युत तार बिछाने का कार्य चल रहा था। कार्यस्थल के समीप हाई वोल्टेज विद्युत प्रवाह भी गुजरा था, तभी विद्युत तार बिछा रहे मजदूर संपर्क में आ गए, जिससे कि चार्ज कर रहे 6 मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद तुरंत ग्रामीणों एवं कार्यस्थल पर मौजूद लोगों ने देहरी के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल 6 मजदूरों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 3 खतरे से बाहर हैं। गंभीर रूप से घायल 3 मजदूरों का इलाज देहरी अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। सभी घायल मजदूर बिहार के मोतिहारी जिले के बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट मंटू कुमार चंद्रवंशी, रोहतास, बिहार। कैसे घटना हुआ है? हम लोग जहाँ तक रहे थे, 1 लाख 1 लाख 6 हजार कौन कंपनी? अशोक। ठेकेदार कौन है? राकेश कुमार। कितने लोग को लाइन के? 6 आदमी। 6 कैसे हुआ? 3 आदमी फोन पर थे, 3 आदमी नीचे तार टांग रहे। तो क्या हुआ? तार टांग ऊपर दाब रहे थे, भी फिर ट्रैक्टर पर रखे हुए बस ऊपर शॉर्ट मार दिए शॉर्ट के टांग। क्या नाम है तुम्हारा? निशान। तार हम लोग टाइट कर रहे थे, उस शॉर्ट गया उससे। आप लोग मिस्त्री का काम करते हैं? मिस्त्री काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तिहारी जिला। कितना आदमी को करंट मारा? 6 आदमी को मारा। 6 आदमी है।